दोस्तों स्वागत है आपका हमारे प्यारे YouTube चैनल में। और आज आप लोग देखने जा रहे हैं द हिंदू का न्यूज़पेपर की हम लोग रीडिंग करने जा रहे हैं। और हम देखेंगे यहाँ पर कि द हिंदू न्यूज़पेपर को हम कैसे पढ़ते हैं कि हमारी ग्रामर भी इम्प्रूव हो, हमारी वोकैब्स भी इम्प्रूव हो, लगभग सारी चीज़ें मतलब एक साथ हो जाए। तो इस तरीके से हम लोगों को कैसे पढ़ना है, न्यूज़पेपर को किस ढंग से पढ़ा जाए कि हमारे एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर होता चला जाए, ठीक है। तो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से हमें पढ़ना है वो चीज़ें हमें आज ग्रामर में समझना है, न्यूज़पेपर में समझना है, उसकी ग्रामर को समझना है, उनके वोकैब्स को समझना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, न्यूज़पेपर की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों से बता दें कि आप लोग पहले पूरी वीडियो देख लें, अगर चैनल समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या है पहला हेडलाइन देखते हैं। चलिए पहले हेडलाइन देख लो भाई क्या दिया हुआ है। बंगाल फार्मर्स गेट बेनिफिट्स ऑफ पीएम किसान स्कीम। बंगाल फार्मर्स ने क्या पाया है बेनिफिट लाभ ऑफ पीएम किसान स्कीम, पीएम किसान स्कीम की, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है लिखा। बंगाल फार्मर्स गेट बेनिफिट्स, बंगाल फार्मर ने लाभ पाया है पीएम किसान स्कीम का। पीएम किसान जो स्कीम है, एक योजना है पीएम की, उस स्कीम का, ठीक है। अब हमें यहाँ एक चीज़ देखना है कि ये प्रेजेंट में गेट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन है और न्यूज़पेपर की हेडलाइन हमेशा प्रेजेंट में ही लिखी जाती है और ये प्रेजेंट में लिखा गया है। तो हम हेडलाइन में हमें ग्रामर या और सारी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा नहीं देखनी है, हमें जो ग्रामर देखना है वो मेन न्यूज़ में देखना है, लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। क्या जो बेनिफिट लिखा हुआ है, अगर ये नाउन है तो इसके साथ कोई कोई भी प्रीपोजिशन आ सकता है, लेकिन अगर ये वर्ब है, बेनिफिट अगर वर्ब है तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। ये बात 2016 में पूछी गई है, 2019 में एसएससी में पूछी गई है, ठीक है। मैं बार बार कहता रहा हूँ आप लोगों से कि एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हमें बेहतरीन ढंग से एकदम नए अंदाज में हमें ग्राम न्यूज़पेपर को पढ़ना है, वो सारी चीज़ आप लोग समझिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सेज, ममता बनर्जी ने कहा है लेकिन सेज प्रेजेंट में लिखा हुआ है क्योंकि अभी ये हेडलाइन ही चल रही है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने क्या कहा है कि सेंटर वाज डिलेइंग द ट्रांसफ़र, सेंटर जो है वो पैसा भेजने में, मनी ट्रांसफ़र करने में डिले कर रहा है, देरी कर रहा है, ठीक है। एक बात देखिएगा, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर कोई भी पद का नाम है उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उस पद के नाम के आगे उस व्यक्ति का नाम लिख उठा हो, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर लिख उठा हुआ है तो प्राइम मिनिस्टर के पहले हम आर्टिकल दा का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखा है तो हम इसके पहले दा का यूज़ करेंगे, सिर्फ सिर्फ चीफ मिनिस्टर लिखा हुआ है इसके पहले हम दा का यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर के आगे उनका नाम लिख दिया गया है तो डेफिनेट हो गया है, चूँकि ये इसके पहले हमें डेफिनेट आर्टिकल दा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे हम समझते हैं आर्टिकल दा का यूज जो है वो अर्थ के पहले करते हैं, किसके पहले करते हैं, अर्थ के पहले करते हैं, मून के पहले करते हैं, सन के पहले करते हैं, स्टार के पहले करते हैं, अर्थ, मून, सन, स्टार, इन सब के पहले वो आर्टिकल दा का यूज जरूर 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 करते हैं, ठीक है। चलिए दूसरी बात देखते हैं, आर्टिकल दा का यूज कहाँ करते हैं। आर्टिकल दा का यूज सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले किया जाता है, जरूर किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। हिस्टोरिकल बिल्डिंग कोई है उसके पहले हम आर्टिकल दा लगाते हैं, जैसे जैसे द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट, तो रेड फोर्ट हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, इसके पहले हम दा का यूज़ करेंगे। द कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, इसके पहले हम आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। मैंने कहा एक नए अंदाज में, एक बेहतरीन अंदाज में आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ाया जा रहा है, आप लोग लगातार ऐसे ही पढ़ते रहिएगा। हमने बताया चीफ मिनिस्टर के पहले आर्टिकल दा क्यों नहीं यूज हुआ है, क्योंकि आगे ममता बनर्जी, इनका नाम लिख उठा है। अगर ये नाम ना लिखा गया होता तो हम आर्टिकल दा का ही यूज़ करते, आगे अगर मिलेगा तो मैं बताऊँगा कि हाँ यहाँ पर यूज़ हुआ है, ठीक है। चलिए मेन न्यूज़ की तरफ चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। लिखा है आपका द फार्मर इन वेस्ट बंगाल, द फार्मर्स इन वेस्ट बंगाल ऑन फ्राइडे गॉट द बेनिफिट ऑफ पीएम सम्मान किसान निधि, ठीक है। द फार्मर इन वेस्ट बंगाल ऑन फ्राइडे, इसमें सब्जेक्ट है क्या, वर्ब तो गॉट है,
तो सब्जेक्ट क्या है? तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, प्रीपोजिशन के पहले वाले को सब्जेक्ट मानिएगा। फॉर्मर कहाँ के? वेस्ट बंगाल के। उन्होंने फ्राइडे को पाया है, गॉड पाया है, उन्होंने पाया द बेनिफिट ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि। पीएम किसान सम्मान निधि की जो रकम है वो उन्होंने पाई है, उसका लाभ उन्होंने पाया है। ठीक है, तो हमने देखा कि सब्जेक्ट ये हो गया द फार्मर्स, वर्ब हो गई आपकी गॉट, द बेनिफिट्स ऑफ वर्ब हो गई आपकी गॉट। ठीक है, गॉट जो है वो गेट की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, गॉट से जो है वो कॉजेटिव वर्ब भी बनता है। अगर गॉट के बाद ऑब्जेक्ट आया है और उसके बाद वर्ब लिखी गई है, गॉट गेट के बाद ऑब्जेक्ट आया है और उसके बाद वर्ब लिखी गई है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। कभी भी फर्स्ट सेकंड फॉर्म आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। जैसे लिखा हुआ है आई गॉट माई शूज पॉलिश्ड, आई गॉट माई शूज पॉलिश्ड, मैंने अपने जूते पॉलिश करवाए, मैंने अपने जूते क्या करवाए? पॉलिश करवाए। ठीक है, तो आई गॉट, गॉट के बाद आया माई शूज ऑब्जेक्ट और पॉलिश्ड आ गया क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म। गेट ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, गेट से रिलेटेड इतनी चीज़ें आप लोग जान गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि फार्मर्स को मिला है, क्या मिला है? फार्मर्स को मिला है बेनिफिट, यानी कि लाभ मिला है। और हम बताए हैं कि बेनिफिट चूंकि यहाँ नाउन है, क्यों नाउन है? क्योंकि इसके पहले आर्टिकल द का यूज हुआ है, और आर्टिकल का यूज हमेशा ए एन द का यूज जब भी होगा तो उसके बाद नाउन आएगा, एकदम पक्का है, नाउन आना ही आना है, क्योंकि आर्टिकल जो है वो किसी ना किसी नाउन के लिए आता है। ठीक है, गॉट द बेनिफिट्स ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि, उन्होंने पाया है, क्योंकि ये नाउन है इसलिए ऑफ प्रीपोजिशन लगा हुआ है। अगर ये वर्ब होती तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये 2016 में पूछा गया है, 2019 के सीजीएल या सीपीओ में पूछा गया है, तो आप लोगों को ऐसे ही बढ़िया से पढ़ते हुए चलना, मैं बार बार कहता हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं हम। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जा करके शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम वीडियो किया करें आप लोग। आज द हिंदू की वीडियो जो पड़ी हुई है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने का काम करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। इवन एज चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, यद्यपि जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के आगे उस चीफ मिनिस्टर का नाम लिख उठा, इसलिए यहाँ भी चीफ मिनिस्टर के पहले आर्टिकल दा नहीं आया है। कोई बात नहीं, सही लिखा हुआ है। ममता बनर्जी ने एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोप लगाना, एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना। एक्यूज के साथ हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। एक्यूज के साथ हम किस प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं? ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। ब्लेम भी होता है आरोप लगाना, है ना। और एक होता है आपका चार्ज, चार्ज, चार्ज के साथ हम विद प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। किसी पर कोई चार्ज लगाना, आरोप लगाना, तो चार्ज के साथ विद प्रीपोजिशन का यूज होता है, एक्यूज के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है। चलिए अब देखते हैं कि ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है ऑफ द सेंटर ऑफ डिलेइंग, एक्यूज के साथ ये वाला ऑफ यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, सेंटर से आरोप लगाया सेंटर के ऊपर, किस चीज़ का आरोप लगाया है? डिलेइंग द ट्रांसफ़र, पैसों के ट्रांसफ़र में देरी को लेकर के क्या लगाया है? आरोप लगाया है। ऑफ एक प्रकार का प्रीपोजिशन है, और आप एक बात ध्यान रखिएगा, प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आई हुई है, अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आई हुई है, तो प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आती है तो उसकी आईएनजी फॉर्म यूज होती है। अगर वर्ब आई है तो आईएनजी फॉर्म यूज होती है। अगर प्रोनाउन आया है तो वो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है। प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आई हुई है तो उसकी आईएनजी फॉर्म हमेशा यूज होगी। कभी भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म का यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई प्रोनाउन आया हुआ है तो वो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ चूंकि ऑफ एक प्रकार का प्रीपोजिशन है और डिले थी वर्ब, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज हुई है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट देखते हैं। अबाउट 7 लाख फार्मर्स, अबाउट का मतलब होता है लगभग। एक अबाउट का मतलब आप लोग पढ़े होंगे के बारे में, है ना, और एक अबाउट का मतलब क्या होता है? लगभग होता है। ठीक है, एक अबाउट का क्या मतलब होता है? लगभग के सेंस में हम यूज़ करते हैं। अराउंड का भी यूज लगभग के सेंस में भी किया जाता है। ठीक है, अबाउट 7 लाख फार्मर्स, लगभग 7 लाख जो फार्मर हैं। अच्छा, अगर यहाँ लिखा होता 7 लाख की जगह लिखा होता 7 लाख ऑफ फार्मर्स, गलत होता। एक बात ध्यान दीजिएगा, डजन, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, लाख, डजन, ठीक है, डजन, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, लाख, टी एच ओ यू एस ए एन डी, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, लाख,
इनके पहले अगर संख्या दे दी गई है, इनके पहले अगर संख्या दे दी गई है तो इनमें ना तो यस या यस लगाते हैं और ना ही इसके बाद ऑफ लगाते हैं, ठीक है। अगर लिखा है 7 लाख ऑफ फार्मर्स तो गलत हो जाएगा, और अगर लिखा है 7 लैक्स ऑफ फार्मर्स, ध्यान दीजिएगा ऐसे ये एरर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, 7 लैक ऑफ फार्मर्स। तो हमने देखा डजन, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, 100 लाख, इसके पहले संख्या दे रखी है, तो इसके पहले अगर संख्या दे रखी है तो इसके इसमें ना तो यस लगाते हैं ना ही इसके बाद ऑफ लगाते हैं, तो हटा दीजिए और सही लिखा हुआ है यहाँ क्या, 7 लैक फार्मर्स, 7 लैक फार्मर्स, ठीक है। दूसरी बात, अगर संख्या नहीं लिखी है तो यस भी लगाते हैं और ऑफ भी लगाते हैं। अगर ये 7 ना लिखा होता तो पता है क्या लिखा होता, अगर 7 ना लिखा होता तो इसमें यस भी लगता और ऑफ भी लगता, और लिखा होता लैक ऑफ फार्मर्स, लैक्स ऑफ फार्मर्स, ठीक है, यानी कि लाखों किसान, लैक्स ऑफ फार्मर्स, यानी कि डजन, लिख लीजिएगा रूल एक ग्रामर का, डजन, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, 100 लाख, यदि इनके पहले संख्या दे दी गई है तो इनके बाद ना तो यस या यस का यूज़ करते हैं ना ही इनके बाद हम ऑफ का यूज़ करते हैं। दूसरी बात, डजन, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, लाख, 100 के पहले यदि संख्या नहीं दी गई है तो हम एस भी लगाते हैं और ऑफ भी लगाते हैं, जैसे लैक्स ऑफ फार्मर्स, डजन्स ऑफ बनानास, ठीक है। चलिए आगे क्या देखते हैं हम, अबाउट 7 फार्मर्स, 7 लाख फार्मर्स, यानी कि 7 लाख के पहले संख्या दे दी गई है तो लाख में तो यस भी नहीं लगेगा तो नहीं लगाया है, और लाख के बाद ऑफ भी नहीं लगेगा तो यहाँ ऑफ भी नहीं लगाया है, यानी कि सही लिखा हुआ है। अबाउट 7 लाख फार्मर्स, लगभग 7 लाख किसान, इन द स्टेट, स्टेट में गॉट बेनिफिट्स, उन्होंने बेनिफिट्स पाए हैं, ठीक है, उन्होंने लाभ पाया है ऑफ द सेंट्रल स्कीम, इस केंद्रीय जो योजना है उसका, ठीक है। वेर 2000 वर ट्रांसफर्ड, जहाँ 2000 रुपये जो हैं, 2000 वर ट्रांसफर्ड का मतलब पता है क्या है, वर का मतलब ये हुआ वर्ब बी की फॉर्म हुई, वर्ब बी होती है इज एम आर वाज वर, इज एम आर वाज और वर, बीन और बींग, बीन और बींग, ये होती है आपकी वर्ब बी की फॉर्म, ये क्या होती है आपकी वर्ब बी की फॉर्म। अगर इतने वर्ड के बाद, अगर इन वर्ब बी की फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वो पैसिव वॉइस होता है, और पैसिव वॉइस मेरे कहने का मतलब अर्थात ये है कि ना तो यहाँ सब्जेक्ट काम नहीं करता है, ठीक है। देखिए वेयर के बाद लिखा हुआ 2000 रुपीज़ ने ट्रांसफ़र किया है कि 2000 रुपीज़ को ट्रांसफ़र किया गया है, किया गया है, क्यों हिंदी कैसे निकालेंगे इसकी, क्योंकि ये वर लिखा हुआ है, वर वर्ब बी की फॉर्म है, उसके बाद ट्रांसफर्ड जो लिखा हुआ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, और जब भी ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा कि वर्ब बी जितना बताए हैं इज एम आर वाज वर बीन बींग, वर्ब बी के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी तो सब्जेक्ट काम नहीं करेगा, सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाएगा, यानी कि 2000 रुपीज़ ने ट्रांसफ़र नहीं किया है, 2000 रुपये ने किसी को नहीं ट्रांसफ़र किया है, 2000 रुपये को ट्रांसफ़र किया गया है टू देयर बैंक अकाउंट्स, उनके बैंक अकाउंट्स में, और चूंकि किसके बैंक अकाउंट्स में, चूंकि फार्मर्स लिखा हुआ है, फार्मर्स लिखा हुआ है, इसलिए हम क्या लगाएंगे देयर, चूंकि फार्मर्स प्लरल होता है इसलिए हम देयर का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए आगे क्या देखते हैं हम, देयर लिखा हुआ है ना, देयर एक प्रकार का पजेसिव एडजेक्टिव होता है जो नाउन के पहले आता है, ठीक है। चलिए आगे क्या देखना है हमें, ड्यूरिंग द डे, इस डे के दौरान, इस दिन के दौरान क्या लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। देखिए अगर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखा होता तो इसे इसके पहले हम आर्टिकल दा लगाते, लेकिन चूंकि यहाँ पे आगे नरेंद्र मोदी नाम दे दिया गया है इसलिए इसके पहले हम आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे। ये तो हो गए सब्जेक्ट, सेंटेंस की शुरुआत जब भी किसी नाउन या प्रोनाउन से होगी तो वो सब्जेक्ट का काम करेगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो गए सब्जेक्ट और रिलीज्ड हो गया वर्ब, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, रिलीज़ किया है द 8th इंस्टॉलमेंट ऑफ, आठवीं जो इंस्टॉलमेंट है, किस्त है, ऑफ ओवर 20,000 करोड़, मतलब लगभग 20,000 करोड़, टू मोर देन 9.5 करोड़ फार्मर बेनिफिशरीज
अंडर द स्कीम, यानी कि 20,000 करोड़ रुपए जो है वो ट्रांसफ़र किए गए हैं लगभग 9.5 करोड़ किसान लाभार्थियों, बेनिफिशरीज का मतलब लाभार्थी जो लाभ पाते हैं। जैसे आपको पैसा मिला किसान पीएम किसान फंड का, तो आप उसके बेनिफिशरी हो गए, आप उसके लाभार्थी हो गए, आप उसके लाभ पाने वाले हो गए, ठीक है, अंडर द स्कीम, इस स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। द स्कीम क्यों लिखा हुआ है, अंडर स्कीम क्यों नहीं लिखा हुआ, क्योंकि इस स्कीम की चर्चा पहले हो चुकी है। ये कौन सी स्कीम है, पीएम किसान निधि स्कीम है, और चूंकि इसकी पहली चर्चा हो चुकी है तो जो चीज़ हम जानकारी हमें पहले मिल चुकी होगी उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज़ कर देंगे, क्योंकि ये डेफिनेट है, ये हमें मालूम है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, द पीएम किसान निधि, ये एक कोई योजना है, इसके पहले हम आर्टिकल द का यूज़ लगाए हैं, ठीक है ना। कोई भी योजना है, कोई भी राजनैतिक पार्टी है, जैसे द बीजेपी, द आम आदमी पार्टी, ठीक है, तो हम द टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के पहले, ठीक है, तो इन सबके पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। आगे क्या लिखा हुआ हैज़ बीन द पीएम किसान निधि हैज़ बीन ए मैटर, एक मैटर रहा है, ए मैटर ऑफ कन्फ्रंटेशन, एक मैटर रहा है विवाद का, बिटवीन द सेंटर, सेंटर के बीच में और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के बीच में। एक बात देखिएगा, हैज़ बीन के बाद जब कोई वर्ब ना आए तो आप पता है हिंदी कैसे निकालेंगे, अगर देखिए हैज़ बीन के बाद कोई वर्ब नहीं आई है यहाँ पे, हैज़ बीन के बाद यहाँ तो हैज़ बीन के बाद या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए थी, है ना, और या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं आया है। इसका मतलब ये बीन जो है वो मेन वर्ब हुआ और हैज़ हेल्पिंग वर्ब है। मीनिंग इसकी निकलती कैसे, आप पहले ये देखिएगा, हैज़ बीन का मतलब होता है रहा है, कोई चीज़ पहले से कुछ दिनों से चली आती रही है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो सेंटर और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के बीच में जो झगड़ा है वो बहुत दिनों से चला आता रहा, इसका मतलब पहले भी झगड़ा होता था, आज भी हो रहा है, तो ऐसी सेंस में हम हैज़ बीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं तुम्हारे प्रति वफादार रहा हूँ तो हैज़ बीन का यहाँ यूज़ करेंगे, आई हैज़ बीन लॉयल, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं तुम्हारे प्रति वफादार रहा हूं का मतलब क्या, मैं पहले भी वफादार था और आज भी वफादार हूं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसे हैज़ बीन का मतलब क्या हुआ कि रहा है, कोई चीज़ पहले से चली आती रही है, ऐसे सेंस में हम हैज़ बीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। द पीएम सम्मान निधि हैज़ बीन ए मैटर ऑफ कन्फ्रंटेशन, एक विवाद का विषय रहा है, इसका मतलब पहले भी विवाद का विषय रहा था और अब भी विवाद का विषय है, बिटवीन द सेंटर, सेंटर के बीच में, एंड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और पश्चिम बंगाल की सरकार के बीच में। एक बात देखिएगा कि बिटवीन और बोथ के साथ हम एंड का यूज़ करते हैं, बोथ और बिटवीन के साथ हम एंड का यूज़ करते हैं, लिख लीजिएगा इसे, बोथ और बिटवीन के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, एंड का यूज़ करते हैं, बोथ और बिटवीन इसके साथ हम एंड का यूज़ करते हैं। बोथ के साथ कभी भी नॉट का यूज़ नहीं किया जाता है, अगर बोथ के साथ आप किसी सेंटेंस में नॉट मिल जाए तो बोथ नॉट को हटा दीजिएगा और उसे बना दीजिएगा नाइदर, उसे क्या बना दीजिएगा, नाइदर बना दीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई, तीसरी बात बोथ के बाद आने वाला, चूंकि दो की बात होती है इसलिए बोथ के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो प्लरल नाउन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, फॉर ऑलमोस्ट 3 ईयर्स, लगभग 3 साल से जो है वो विवाद का विषय रहा है, ये जो पीएम सम्मान निधि योजना है वो केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट यानी कि पश्चिम बंगाल की सरकार के बीच में एक विवाद का विषय रहा है, हैज़ बीन लिखा हुआ है, मतलब पहले भी रहा था और आज भी है। द नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, नॉन इम्प्लीमेंटेशन मतलब पीएम किसान निधि को इम्प्लीमेंट ना करने का जो प्रक्रिया है, ठीक है, हैज़ बीन डोमिनेटेड द डिस्कोर्स, इसको इस डिस्कोर्स को क्या कर रहा है, किया है उसने डोमिनेट किया है, ड्यूरिंग द रिसेंटली क्लाउडेड स्टेट कंक्लूडेड स्टेट सॉरी असेंबली इलेक्शन, स्टेट असेंबली इलेक्शन लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है आर्टिकल द, और हमने क्या बताया, आप बोलोगे सर आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल जब मिल जाए तो आप मान लिया कीजिए लास्ट असेंबली स्टेट असेंबली इलेक्शन क्या हो गया है, नाउन हो गया, इसके पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है कंक्लूडेड, ये है एडजेक्टिव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है, ठीक है। तो ये स्टेट असेंबली इलेक्शन हो गया नाउन, इसके पहले नाउन की विशेषता बताने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म काम कर रही है एडजेक्टिव का कंक्लूडेड, और एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए काम करेगा क्या, रिसेंटली एडवर्ब, रिसेंटली किसका काम करेगा, एडवर्ब का, ठीक है। यानी कि आर्टिकल द के बाद नाउन तो आया है, स्टेट असेंबली इलेक्शन नाउन ही है,
आर्टिकल द के बाद जो स्टेट असेंबली इलेक्शन लिखा हुआ है ये आपका नाउन ही है, लेकिन इसके पहले जो ये कंक्लूडेड लिखा हुआ है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है, नाउन के पहले आई हुई है और नाउन की विशेषता बता रही है, ठीक है। इसके पहले जो लिखा हुआ है आपका रिसेंटली ये एडवर्ब है, क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए हम एडवर्ब का ही यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम अगला, मिस्टर मोदी इन हिज इलेक्शन, मिस्टर मोदी अपने इलेक्शन में स्पीच इन हिज इलेक्शन स्पीच अपने इलेक्शन स्पीच में हैड क्लेम्ड, इसमें सब्जेक्ट क्या है? स्पीच सब्जेक्ट है या मिस्टर मोदी सब्जेक्ट है? दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, हमने बताया है कि जब आपको वर्ब मिल जाए तो आप पीछे बढ़िए और देखिए प्रीपोजिशन, देखिए प्रीपोजिशन इन के पहले लिखा हुआ है मिस्टर मोदी, यही है सब्जेक्ट, यानी प्रीपोजिशन के पहले लिखा हुआ जो शब्द है वही काम करेगा किसका? सब्जेक्ट का, यानी कि मिस्टर मोदी हो गए क्या? सब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि मिस्टर मोदी इन हिज इलेक्शन स्पीच हैड क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया है दैट कि, उन्होंने दावा क्या किया है कि, और दैट का मतलब जब निकलता है कि तब ये होता है क्या? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और हमेशा ध्यान रखिएगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए और उसके बाद वर्ब आनी चाहिए। दैट का मतलब जब निकलता है जो, तब ये होता है रिलेटिव प्रोनाउन, और दैट जब रिलेटिव प्रोनाउन होता है, दैट कब आता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में? जरूर जरूर आता है जब सेंटेंस में आल आया हो तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं, जब सेंटेंस में द सेम आया हो तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ करते हैं, जब सेंटेंस में द ओनली आया हो तब रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ करते हैं, जब सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज हुआ हो तो हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है क्योंकि पीएम ने अपने इलेक्शन स्पीच में ये क्लेम किया था, ये दावा किया था दैट की, और यहाँ जब निकल रहा है मतलब की, तो ये है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आना पक्का है। क्या लिखा हुआ है? 18,000 विल बी ट्रांसफर्ड, 18,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे, है ना? क्यों किए जाएंगे, क्यों कहा जा रहा है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस बन गई, यहाँ पे डायरेक्ट बी आ गया है, इज एम आर वाजवर नहीं आया है, क्यों? क्योंकि विल जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और इसका पैसिव विल बी से बनता है, सेल का सेल बी से बनेगा, उड का उड बी से बनेगा, है ना, शुड का शुड बी से बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा इसे। आगे क्या लिखा हुआ है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लिखा हुआ है? पैसिव में लिखा हुआ है, यानी कि 18,000 रुपये ने ट्रांसफ़र नहीं किया है, 18,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे, यानी कि ये सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। कब कहाँ ट्रांसफ़र किए जाएंगे? टू द बैंक अकाउंट्स ऑफ 70 लाख फार्मर्स, 70 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में, और लाख के पहले जो कि संख्या दी होती है, जब डजन थाउजेंड मिलियन बिलियन लाख हंड्रेड, इनके पहले अगर संख्या दे दी गई हो तो लाख में कभी यस नहीं लगाते हैं और लाख के बाद ऑफ नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर इनके बाद इनके पहले संख्या ना दी गई होती, यही 70 ना लिखा गया होता, तो लिखा गया होता क्या? लाख फार्मर्स, नहीं लाख फार्मर्स नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा? लैक्स, इसमें एस भी लगाएंगे और ऑफ भी लगाएंगे और हो जाएगा लैक्स ऑफ फार्मर्स, लाखों किसान, ठीक है। फ्रॉम द फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग, पहली कैबिनेट मीटिंग में, ठीक है, और जब भी फर्स्ट एडजेक्टिव होगा, फर्स्ट सेकंड जब एडजेक्टिव का काम करेंगे तो इसके पहले आर्टिकल दा लगाएंगे, और जब फर्स्ट जो है वो एडवर्ब का काम करेगा तो आर्टिकल दा का यूज नहीं होगा, फर्स्ट अगर एडजेक्टिव का काम करेगा तो आर्टिकल दा का यूज होगा, तब आर्टिकल दा का यूज होगा। एडजेक्टिव का काम कैसे पता यहाँ फर्स्ट कर रहा है? क्योंकि कैबिनेट मीटिंग हो गया है नाउन, आर्टिकल दा ये बता रहा है कि आगे नाउन आएगा, इसका मतलब कैबिनेट मीटिंग क्या हो गया? नाउन, और नाउन के पहले उसकी विशेषता बताने के लिए फर्स्ट क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव, ठीक है। आज क्लास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना है, क्लास बहुत ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आप जा करके शेयर कर दीजिए तुरंत, उसके बाद आ करके पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? 70 लाख फार्मर्स फ्रॉम द फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग। आज लगभग 200 जो है वो एक दिन में आज आप लोगों का जाना चाहिए, शाम तक व्यूज़ जो है वो मेरे 200 होने चाहिए, आप लोग पूरी कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चेक करते रहिएगा, देखते रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। चलिए
आज का टारगेट मिल गया आप लोगों को। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्या क्या दिया गया है और क्या लिखा हुआ है। द फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग, हमने बताया फर्स्ट एडजेक्टिव होगा जब, तो उसके पहले आर्टिकल द लगाएंगे। लेकिन अगर फर्स्ट एडजेक्टिव नहीं है तो एडवर्ब है, तो कैसे फर्स्ट एडवर्ब होगा। जैसे लिखा गया आई केम फर्स्ट इन द क्लास, मैं कक्षा में क्या आया, प्रथम आया। तो मैं प्रथम हूँ कि मेरा आना प्रथम है, तो मेरा आना प्रथम है, यानी कि ये वर्ब की विशेषता बताने के लिए हम एडवर्ब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट एडवर्ब है और जब फर्स्ट एडवर्ब होगा तो उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। फर्स्ट से हम एक फास्ट भी देख लेते हैं। फास्ट एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है, इसका एडवर्ब कभी फास्टली नहीं होता है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, फास्टली कोई वर्ड ही नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है द तृणमूल कांग्रेस, द तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट हैड इनिशियली अपोज्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। उन्होंने पहले ही क्या किया था, इनिशियली अपोज्ड, हैड वर्ब है, सब्जेक्ट है तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट, ये सब्जेक्ट है, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, वर्ब हो गई, और इसके बीच में अपोज्ड के पहले इनिशियली जो है वो एडवर्ब है, वर्ब की विशेषता बताने के लिए वर्ब के पहले इनिशियली अपोज्ड वर्ब है, इसके पहले इनिशियली आया हुआ है वो आपका एडवर्ब है। उसने पहले ही अपोज किया था किसका, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, इस स्कीम के को लागू करने के की प्रक्रिया पर। इट हैड सेड दैट द मनी शुड बी डिसबर्स्ड, मनी को जो है वो भेज दिया जाएगा थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब बांटा जाएगा लोगों को, दिया जाएगा किसके द्वारा, दिया जाना चाहिए किसके द्वारा, शुड बी द डिसबर्स्ड, क्या लिखा हुआ है, थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। आगे क्या लिखा हुआ, द टीएमसी गवर्नमेंट हैड स्टेटेड, टीएमसी गवर्नमेंट ने क्या किया है, देखिए टीएमसी पार्टी का नाम है, आर्टिकल द का यूज होगा, बीजेपी पार्टी का नाम है, आर्टिकल द का यूज होगा, ठीक है। कोई भी स्कीम है उसके पहले हम आर्टिकल द लगाएंगे, कोई भी सन मून स्टार अर्थ दिया गया इसके पहले हम आर्टिकल द लगाएंगे, रेड फोर्ट और कुतुब मीनार जैसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, कई जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनके पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, द टीएमसी गवर्नमेंट हैड स्टेटेड, उसने कहा क्या है, दैट द कृषक बंधु स्कीम, जो कृषक बंधु स्कीम है, ऑफ प्रोवाइडिंग कैश, ऑफ लिखा हुआ है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रोवाइड चूंकि वर्ब होती है उसकी आईएनजी फॉर्म यूज होगी, उस प्रोवाइड कैश को प्रोवाइड करने की जो स्कीम है, इंसेंटिव्स टू द फार्मर्स ऑफ द स्टेट्स इज बेटर, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, दैट द पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम किसान सम्मान निधि से, ठीक है ना। एक बात ध्यान दीजिएगा कि ऐसे ही हमें न्यूज़पेपर को पढ़ना है, ऐसे ही हमें ग्रामर को देखना है और ऐसे ही रिलेट करके एसएससी में पूछे गए क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करके आप लोग पढ़ते जाइए, इसी तरह से, इसी जुनून से, इसी लगन के साथ आप लोगों को पढ़ना है। आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों को बेहतर मार्क्स लाने हैं, आप लोगों को इंग्लिश की समझ विकसित करनी है, इतना डेवलप कर लेना है कि आप लोगों के जो कंप्रेहेंसन का पार्ट है, वोकैब्स का पार्ट है, आपका जो क्लोज टेस्ट में प्रॉब्लम आती है या ये सारी प्रॉब्लम्स, एरर की प्रॉब्लम आती है, आपके इम्प्रूवमेंट की प्रॉब्लम आती है, फिलअप्स में जो वर्ड फिल करने होते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग से दूर हो जाएगी। एकमात्र चीज़ है न्यूज़पेपर की रीडिंग करना, यहाँ से आपकी इंग्लिश की काफ़ी अच्छी समझ डेवलप होगी। आप लोग जा करके आज आप लोग शेयर करेंगे, आज मॉर्निंग में वीडियो जो है वो आपकी अपलोड हो रही है, मैं शाम तक 200 व्यूज़ देखना चाह रहा हूँ, 200 से प्लस ही हो, आप लोग कोशिश कीजिएगा। आप लोगों को टारगेट जो है वो छोटा सा दिया गया है आज टारगेट, आप लोग इसे ज़रूर पूरा कीजिए कि शाम तक कोशिश कीजिए पूरा हो जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से कोशिश कीजिए आप लोग और आप लोग पढ़ते रहिए इस तरह से, और वीडियो जो है वो कंटिन्यू करने की मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो आप लोगों की कंटिन्यू हो। आप लोगों का अगर सपोर्ट मिले, मैं कहता हूं कि मैं सारी बुक्स जो है वो मैं सॉल्व कराने वाला था, बट अभी आप लोग देखिए, आप लोग शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर देखते हैं तो मैं प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक भी स्टार्ट कर दूंगा, मैं पूरा सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। एक एक चैप्टर वाइज मैं प्लिंथ टू पैरामाउंट सॉल्व करा दूंगा, अगर आप लोग साथ देते हैं, अगर आप लोग शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखते हैं तो, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से शेयर कीजिए और वीडियो समझ में आई हो तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू।